नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा के टीआरएस कॉलेज के मैदान में एनडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल करके टीम ने आपदा प्रबंधन का लाइव डेमो किया। हमारी टीम ने एनडीआरएफ के कमांडेड और टीआरएस कॉलेज के प्राचार्य से बात की। टीआरएस कॉलेज में 11वीं बटालियन बनारस की एनडीआरएफ की टीम ने छात्रों को दिए आपदा प्रबंधन व बचाव के टिप्स। तीसरी मंजिल से मिनटों में कैसे बचाव किया जा सकता है, भूकंप प्राकृतिक आपदा से हम कैसे निपटें, आग से गिर जाने से कैसे बचें सहित और भी तरीके सिखाए इस टीम ने। हम आपको बता दें, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा में 11वीं बटालियन बनारस एनडीआरएफ की टीम ने छात्रों को आपदा प्रबंधन के संबंध में प्रशिक्षण दिया एवं मॉक ड्रिल की। किसी भी प्रकार की आपदा के अचानक आ जाने पर उससे कैसे निपटना है, आपदा प्रबंधन को नियंत्रित करते हुए किस प्रकार से राहत एवं बचाव कार्य करना है, इसका सजीव चित्रण, रोमांचक और अद्भुत मॉक ड्रिल प्रदर्शन करके बच्चों को हैरत में डाल दिया एनडीआरएफ की टीम ने। महाविद्यालय में एनडीआरएफ टीम बनारस द्वारा एनडीआरएफ की इस प्रशिक्षण से छात्रों में आपदा से लड़ने की समझ विकसित होगी। आपदाओं से निपटने का महत्वपूर्ण तरीका जानकर इसका इस्तेमाल समय पड़ने पर किस तरीके से करना है, जिससे किसी की भी जान बचाई जा सके, यही सिखाया एनडीआरएफ। टीआरएस कॉलेज की तीसरी मंजिल से रस्सी के सहारे नीचे उतरकर एनडीआरएफ ने ये बताया, अगर कोई बिल्डिंग में आग लगी हो, नीचे उतरने का रास्ता ना हो तो छत से कैसे उतरना है, वही अगर कोई व्यक्ति भूकंप या अन्य किसी वजह से कहीं ऐसी जगह फंस गया हो जहां से उसको निकालना काफ़ी मुश्किल है, फिर भी हम उसको कैसे निकालेंगे, टीआरएस कॉलेज में यह प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण आपदा जोखिम न्यूनीकरण मुहिम के अंतर्गत किया गया, जिसमें छात्रों को आपात स्थिति में निकलने के सुरक्षात्मक उपाय बताए गए। एनडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल कर छात्रों को प्रशिक्षित और सचेत किया। इस दौरान छात्रों को भावनात्मक और सुरक्षात्मक पहलुओं के बारे में जागरूक किया गया। प्राथमिक उपचार और बचाव का सामान्य प्रशिक्षण भी विद्यार्थियों को दिया गया। मॉक ड्रिल करके छात्रों को ये दिखाया गया, भूकंप के दौरान यदि कोई भवन क्षतिग्रस्त हो जाता है तो किस तरीके से पीड़ित व्यक्ति को बाहर निकाला जाए, भवन में ऊपर फंसे किसी व्यक्ति को या बच्चे को किस तरीके से नीचे तक सुरक्षित लाना है, ये भी सिखाया गया। पीड़ित व्यक्ति को किस तरीके से स्ट्रेचर में लाकर चिकित्सा केंद्र पहुंचाया जाए, इसका सजीव चित्रण किया। व्यवहारिक प्रशिक्षण के बाद छात्र छात्राओं को पीपीटी के माध्यम से भी प्रशिक्षित किया गया, शंकाओं का समाधान किया गया। इस बारे में हमने बनारस के एनडीआरएफ टीम के प्रमुख से बात की, आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी। मैं मौजूद हूँ इस समय रीवा के टीआरएस कॉलेज में, प्रदेश के सबसे बड़े छात्रों वाला कॉलेज। आज यहाँ पर एनसीसी एनएसएस की टीम ने टीआरएस कॉलेज के प्राचार्य के मार्गदर्शन में एनडीआरएफ के द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम किया। आज बात उसको लेकर, किस तरीके से ये दिमाग में प्लानिंग आई? ये प्लानिंग एक्चुअली जो डिप्टी कमांडेंट साहब हैं 11th बटालियन एनडीआरएफ की, जो जिसका हेडक्वार्टर बनारस में है, उन्होंने अप्रोच किया कि हम आपके यहाँ के बच्चों के सामने ये प्रदर्शित करना चाहते हैं, यदि कोई एक्सीडेंट होता है या अर्थक्वेक आता है या कोई भी इस तरह का डिजास्टर है तो उसमें हम रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से संचालित करें। इसके लिए इन्होंने यहाँ पर एक मॉक ड्रिल का कार्यक्रम रखने का प्रस्ताव रखा और हम लोगों ने अपने बच्चों का ध्यान में रखते हुए कि उन्हें बहुत ही एक अच्छी शिक्षा इस तरह से प्राप्त होगी और कभी भी आपदा के समय में हमारे टीआरएस कॉलेज के बच्चे अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करके और लोगों को राहत पहुंचा सकें तो इसकी उनको ट्रेनिंग मिल जाए, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और हमने उनको सहर्ष यहाँ आमंत्रित किया और उन्होंने आज बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे यहाँ के बच्चों के सामने अपना प्रदर्शन रखा, जिससे कि हमारे बच्चों को काफी चीज प्रैक्टिकली देखने को मिली कि कैसे करना है। इसके साथ ही आपके द्वारा एक हमारे यहाँ बच्चों को लेक्चर भी दिया जाएगा, बच्चों की जो भी क्वेरीज होंगी उनको वो पूरी तरह से
संतुष्ट करेंगे, उन्हें सब सिखाएंगे बताएंगे। आपातकाल में किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से जो लोग फंसे हुए हैं संकट में उनकी मदद करनी है। हम लोगों ने काफी नाम सुना था एनडीआरएफ का, किस तरीके से आप लोग पूरी प्लानिंग करते हैं थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। बेसिकली एनडीआरएफ जो कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, इट इज ए स्पेशलाइज फोर्स विच इज मीट फॉर द टैकलिंग एनी काइंड ऑफ डिजास्टर। मतलब देश में विभिन्न तरह के डिजास्टर आते रहते हैं, उसको मिटिगेट करने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए, कैसे विक्टिम को बचाना है, इसकी हमारी रेगुलर ट्रेनिंग चलती रहती है। हमारे सारे रेस्क्यूअर्स कंटिन्यूअस अभ्यास में रहते हैं, सो दैट कि ऐसा कुछ होता है तो हम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो रोल्स है, उसको बहुत ही कम समय में जाके और विक्टिम्स को बचा सकें। उसी के तहत यहाँ पे हमने एक मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया था, जिसका ये मकसद था कि यहाँ के जितने भी लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोकल रिस्पॉन्डर्स हैं, उनकी प्रिपेयरनेस को चेक करें, उनके रिस्पॉन्स टाइम को चेक करें, और जब भी उसमें कुछ गैप्स है तो उसको कैसे हम म्यूचुअली बैठ के डिब्रीफिंग के दौरान उसको कम कर सकते हैं। क्या पाया आपने यहाँ पे? हमने मैम के कॉलेज में, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड अजय सिंह साहब है यहाँ पे, तो ये हमने ये स्कूल को डिसाइड किया था बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो इट विल गिव अ वेरी गुड मैसेज टू देम बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। तो उनके दिमाग के अंदर एक थॉट प्रोसेस जनरेट होगा कि ऐसा कुछ डिजास्टर होता है तो उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल मॉक एक्सरसाइज एंड आई हाईली अप्रिशिएट कोऑपरेशन फ्रॉम मैम एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, जो भी जो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, जिन लोगों ने मॉक ड्रिल के बारे में सुना था। हालांकि जो आपने मॉक ड्रिल की उसको हम अपने दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, फिर भी किस तरीके से जो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है, पहले उनको क्या करना चाहिए जब कभी कोई संकट आता है? बेसिकली संकट ऐसी चीज है कि इट इज अनफोर्सीन, इट इज नॉट सीन, एंड व्हाट विल कब आएगा ये किसी को पता नहीं है, लेकिन उससे हम आने के समय टैकल तभी कर पाएंगे जब हमारी तैयारी पूरी होगी। और तैयारी पूरी कैसे होगी कि चूंकि हमारा यहाँ पे तो मॉक एक्सरसाइज था, अदरवाइज हम कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाते हैं, स्कूल में जाके स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम चलाते हैं, जहाँ पे लोकल कम्युनिटी को अवेयरनेस इनिशिएट करते हैं, बढ़ाते हैं कि जब ऐसा कुछ आपदा आती है तो उनको क्या क्या स्टेप्स लेना है, जब अर्थक्वेक आता है तो क्या करना है, जब फ्लड में फंस गए हैं तो क्या करना है। नाउएडेज आप देख रहे हैं पोस्ट कोविड केस में बहुत सारे यंग लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है, तो हमारे जितने रेस्क्यूअर्स हैं दे ऑल आर मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स क्वालिफाइड, सो वी नो हाउ टू ट्रीट अ पेशेंट विदाउट गिविंग एनी मेडिसिन। जब भी किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो उसको CPR कैसे देना है, हमारे सारे रेस्क्यूअर्स परफेक्टली ट्रेंड है कि किसी को कैसे CPR देना है। तो ये हमारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम, उसके माध्यम से हम अवेयरनेस फैलाते रहते हैं, लोगों को जागृत करते रहते हैं, सो दैट कि ऐसा कुछ होता है। परिचय दे दीजिए। मैं राम भवन, डिप्टी कमांडेंट फ्रॉम 11th बटालियन NDRF वाराणसी। अभी हम बात कर रहे थे अगर कभी कोई संकट आता है, हालांकि आपने मॉक ड्रिल देखी, हम कोशिश ये करते हैं उन स्कूल कॉलेज में जाएं जहां बच्चे पढ़ते हैं काफी मात्रा में, उनको हम बेसिक जानकारी दें, उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि संकट के समय में घबराना नहीं चाहिए, अगर आपने धीरज रखा तो निश्चित रूप से आप संकट से विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब अपने मेजबान जा ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।